हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छी होंगी। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। और आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं एक ही पार्ट में जो है, एक ही वीडियो में जो है, पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश किया हूं। और इस वीडियो में मैं सेंटेंस को सबसे पहले डिफाइन किया हूँ, सेंटेंस के टाइप को डिफाइन किया हूँ, उसके बाद मैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेंटेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी कुछ फायदा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सेंटेंस सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले मैं ग्रामर सेक्शन का दो चैप्टर बना करके अपलोड किया हूँ। सबसे पहले चैप्टर का नाम था रिमूव टू, है ना, रिमूव टू मैं बना करके अपलोड किया था। उसके बाद मैं जो है डिग्री का चैप्टर भी अपलोड किया था, और अभी मैं जो है सो सेंटेंस का वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है, उसे वाक्य कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस मतलब कि एक सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड होगा, और बहुत सारा वर्ड तो रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो है पूरा पूरा निकल जानी चाहिए, उसका सेंस अगर निकल जाता हो तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अगर हम ये लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई इट ए मैंगो। यहाँ पे बहुत सारा वर्ड है, जैसे आई है, इट है, ए मैंगो। तो इस सब को मिलाकर के एक जो सेंटेंस तैयार होता है, जिसका अर्थ निकलता है हिंदी में, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। इसी सेंटेंस को जो है ना, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से जो है नहीं लिख सकते, ए मैंगो इट आई फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो बहुत सारा वर्ड है, ए मैंगो है, इट है, आई है। जो वर्ड यहाँ था वो वर्ड यहाँ भी है, लेकिन इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस सिर्फ इसको कहेंगे। क्यों इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। अब फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब इसमें वही वर्ड, इसमें भी ये, इसमें भी वही वर्ड है, तो फिर ये मेरा वर्ड क्यों नहीं है? यही ये सेंटेंस ही मेरा, ये जो आपको सेंटेंस देख रहे हैं, ये सही सेंटेंस क्यों है, ये गलत क्यों हो रहा है? तो किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए जो है ना, उसको एक चीज फॉलो करना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मूले पे होता हो, इसको फॉलो करता हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, तभी जाकर के वो सेंटेंस सही हो पाएगा। तो इसीलिए सेंटेंस का शायद आप लोग अर्थ समझ गए होंगे कि शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाता हो, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई इट अ मैंगो, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। चलिए अब आगे जानेंगे, आगे हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को पांच भागों में डिवाइड किया गया है। और अगर कोई ये क्वेश्चन कर देता हो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो सेंटेंस को सिर्फ चार भागों में बांटा गया है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से पांच पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न के अनुसार से चार किया गया है। अब मॉडर्न में एक किसको हटाया गया वो आगे जानते हैं, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस को जो पांच भागों में बांटा गया है वो कौन कौन है। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव है ना, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पांच प्रकार हैं सेंटेंस के। इस सेंटेंस को पांच भागों में बांटा गया है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। कोई क्वेश्चन कर दे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार तो चार प्रकार के हैं, लेकिन वो चार प्रकार कौन कौन हैं, एक कौन साइड हो गया है, एक किसको हटाया गया है, तो ऑप्टेटिव को हटा करके जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जोड़ा गया है। ये ऑप्टेटिव को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हटा दिया गया है और जोड़ दिया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में।
अब चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, इंपरेटिव किसको कहते हैं, या फिर ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। मैं इसको डिफाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो वहां पे ये सब जानना बहुत ही जरूरी है कि असर्टिव किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, इंपरेटिव किसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी किसको कहते हैं। अगर ये फिर मालूम नहीं रहता तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री में जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में फिर दिक्कतें हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन कह रहा है, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट को बना देता हो, एक कथन को बना देता हो, उसी को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस, या फिर वैसा सेंटेंस जिसे कुछ कहा या बोला जाता हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसे असर्टिव, जो एक स्टेटमेंट को, कथन को बता देता हो उसी को असर्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शादमा इज बिजी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये आपको हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है, असर्टिव में फुल स्टॉप का यूज होता है। और दूसरी बात याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो वो किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। जैसे सादमा एक सब्जेक्ट है, ही एक क्या है, सब्जेक्ट है। हमेशा पर्सन सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि असर्टिव भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कह रहा है, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता हो, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता हो, वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे, सामने वाले को हर हाल में जवाब देना है, तो ये क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए आगे फिर क्या कहता है, जब ये देखते होंगे आप, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं जा रहे तो बोलेंगे ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं तो इसका आपको जवाब देना होगा जहां कहीं जा रहे हैं। लेकिन आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, हाँ, अगर जा रहे तो हाँ में बोल दीजिए, नहीं जा रहे तो ना में बोल दीजिए। तो इसी के आधार पे जो है ना, क्वेश्चन सेंटेंस को, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में जो है बांटा गया, दो टाइप्स होते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ये बातें याद रखिएगा, पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन किसे कहा जाता है और डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसे कहा जाता है। और यस नो क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन से ही ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए पहला है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का डिफिनेशन कह रहा है, अ क्वेश्चन विच आंसर इज गिवेन इन यस और नो इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता हो, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता हो उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता हो उसे क्या कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन, सिर्फ हाँ या ना में। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर है तो बोलेंगे हाँ, अगर डॉक्टर नहीं तो बोलेंगे ना। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हाँ या ना में आपको जवाब दे देना है। इज राहुल प्लेइंग, क्या राहुल खेल रहा है, अगर खेल रहा है तो बोलेंगे हाँ, नहीं खेल रहा तो बोलेंगे ना। अब चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स, उस बात को याद रखिएगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एग्जिस्ट वर्ब मिस हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि यस नो क्वेश्चन जब भी शुरू होता है तो एग्जिस्ट वर्ब के से शुरू होता है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि यस नो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में रहता है, असर्टिव में फुल स्टॉप यूज हो रहा था। अब आगे अगला पॉइंट कह रहा है, देयर आर 24 एक्सिलिस वर्ब्स। ये आपको जो इंग्लिश में जो एक्सिलिस वर्ब है वो 24 है, हेल्पिंग वर्ब जो 24 है। अब कौन कौन सा है वो जान लेंगे, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट
ought to, used to, need and dear. ये आपको 24 जो है सो हेल्पिंग वर्ब है. अगर कोई सेंटेंस इस 24 वर्ड से शुरू होता हो तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है किस में होगा, यस नो क्वेश्चन में होगा. उम्मीद करते यस नो क्वेश्चन भी समझ गए होंगे. अब चलिए आगे हम लोग समझेंगे WH क्वेश्चन को. WH क्वेश्चन को जो है समझना है. तो WH क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिनेशन देख लीजिए. A question which answer is not given in yes or no is called WH question. वैसा question जिसका answer हाँ या ना में ना दिया जाता हो, वैसा question जिसका answer हाँ या ना में ना दिया जाता हो, उसको WH question कहा जाता है. Example पे आप example में देख सकते हैं, What is your name? आपका नाम क्या है? अगर कोई आपका नाम पूछता तो हाँ या ना में करके काम नहीं चलाएंगे. आपको जो नाम है वो बताना होगा, explain करना होगा कि my name फना फना फना, जो भी नाम है आपको नाम बताना होगा. When will you come? आप कब आएंगे? आप जब भी आएंगे तब का आपको नाम बताना होगा. कब आएंगे? कल आएंगे, परसों आएंगे, तो वो चीजें आपको बताना होगा. हाँ या ना से काम चलने वाला नहीं है. अब चलिए पॉइंट्स इसमें कुछ बातें जान लेते हैं. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब भी शुरू होगा तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा. डब्ल्यू एच वर्ड से. और इंग्लिश में जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो टोटल 9 है. 9 कौन कौन है? हु है, हुम है, हुज है, What है, which है, where है, when है, why और how. ये 9. अगर इस 9 वर्ड से कोई भी सेंटेंस शुरू होता हो तो आप समझ जाइए कि वह सेंटेंस जो होगा किस में होगा, WH क्वेश्चन में होगा. चलिए WH क्वेश्चन समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को जानते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन कह रहा है, अ सेंटेंस विच इंडिकेट्स एन ऑर्डर, एडवाइस, अ रिक्वेस्ट, इटीसी इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. मतलब वैसा सेंटेंस जो बताता हो ऑर्डर को, एडवाइस को और रिक्वेस्ट को, जो ये 3 चीज को इंडिकेट करता हो, ऑर्डर को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, उसको हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब किस तरह से एग्जांपल देख लीजिएगा, शट दी डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, तो ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस नहीं हो जाएगा. प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे, ये और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मींस इंपरेटिव में हो जाएगा. वॉच ओनली गुड सीरियल्स, अब वॉच ओनली गुड सीरियल, सिर्फ अच्छे सीरियल देखो, तो ये आपको एडवाइस हो गया, मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस. तो जिससे 3 चीज का, एडवाइस का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का पता चलता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. आगे चलिएगा, आगे जो है चौथा जो है हम लोग उसको जानेंगे, समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को, जिसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से हटा दिया गया है. डेफिनेशन कहता है, अ सेंटेंस विच इंडिकेट्स ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. मीन्स वैसा सेंटेंस जो किसको, ब्लेसिंग और कर्स को दर्शाता हो, ब्लेसिंग और कर्स को दर्शाता हो, ब्लेसिंग को और कर्स को, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, मतलब दुआ या बद्दुआ को दर्शाता हो, आशीर्वाद या अभिशाप को दर्शाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल में, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू गॉड हेल्प यू, ये आशीर्वाद दे रहे, मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस. मे ही डाई, वह मर जाए, मतलब बद्दुआ दे रहे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात ख्याल रखना है कि हमेशा मे से शुरू होता है, मे से शुरू भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में मे रहता है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ रहेगा. और इंपरेटिव सेंटेंस या तो प्लीज से या तो फिर डायरेक्टली भी वन से जो है शुरू होता है, डायरेक्टली भी वन से. यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वन है, ये शर्ट भी वन है, और ये प्लीज है, प्लीज के डायरेक्टली बाद भी वन ही है. तो ये आपको हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस. चलिए उसके बाद 5वें नंबर पे जो है उसको हम लोग समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अब हम लोग को समझना है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन कह रहा है, अ सेंटेंस विच इंडिकेट्स सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वैसा सेंटेंस जो अचानक महसूस होता हो, है ना, सम सडन फीलिंग, अचानक महसूस होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अचानक महसूस हो जाता हो. व्हाट अ प्लेस, है ना, हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज दौड़ता है. तो ये सब वर्ड जो है ना हमेशा अचानक जो है ना महसूस होता है, इसीलिए इसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा गया है. अब यहाँ पे बात याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ रहेगा. व्हाट या हाउ से शुरू होगा, या फिर ये वर्ड से भी शुरू होता है, जैसे कि बोलते हैं अलास, अलास, ये वर्ड एक्सक्लेमेशन साइन रहता है. फिर जैसे बोलते हैं ब्रेवो, लेकिन ये सब आप जो वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हो रही, ये सब वर्ड जो हुआ ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. तो ये था डेफिनेशन कि सेंटेंस किसे कहते हैं,
असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग जिसको जानते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के नाम से। तो अब हम लोग को जानना इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस मतलब के सेंटेंस को बदलना। अगर दिया हुआ रहेगा असर्टिव इंट्रोगेटिव में तो उसको कहा जाता है असर्टिव बदलने के लिए। लेकिन इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि जो हम लोग इंटरचेंज को सेंटेंस को जो बदलते हैं, जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना हो, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, जैसे कि इंट्रोगेटिव से इज ही प्लेइंग, अब ये है इंट्रोगेटिव में, ये है इंट्रोगेटिव में। अगर इसको हम लोग असर्टिव में बदलते तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। लेकिन हम लोग जो सीखना, हम लोग को जो सीखना इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, तो इसमें अर्थ नहीं बदलनी चाहिए, है ना, अर्थ नहीं बदलनी चाहिए। वो सेंटेंस बदलेगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा, इसी चीज को सीखना है। तो हम लोग को इस वाले को नहीं सीखना, ये तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग को ये सीखना है कि वो सेंटेंस को चेंज तो करना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देना है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलनी चाहिए। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल मेथड में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है, पहले नंबर पे जो सीखना है, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, आपको मालूम होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यस नो क्वेश्चन, तो हम लोग यस नो क्वेश्चन एंड असर्टिव, मतलब कि यस नो क्वेश्चन से असर्टिव में बनाना सीखेंगे या फिर असर्टिव से यस नो क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अब किस तरह से, तो देखिएगा यहां पे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कैन वी लिव विदाउट वाटर, विदाउट एयर, विदाउट एयर। आप लोग को मालूम है कि यस नो क्वेश्चन कभी भी शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से, और ये कैन मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन वी लिव विदाउट एयर, कैन वी लिव विदाउट एयर, तो अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये तो आपको मालूम हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब शुरू मतलब यस नो क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है असर्टिव सेंटेंस में जो हम लोग चेंज करते हैं। तो आप लोग बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो क्या करना है, इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया हुआ है, कैन, तो कैन लिख लेंगे। अब बात ही एक बात थोड़ा याद रखना है कि अगर इस सेंटेंस में नॉट दिया गया हुआ रहेगा तो नॉट को हटा देंगे, और नहीं दिया गया हुआ है तो फिर लगा देंगे। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग नॉट लगा देंगे, नॉट को जो है ना लगा देंगे। अब फिर आगे क्या बचा हुआ है, वर्ब है लिव, तो लिव दे देंगे, और फिर आगे क्या है, विदाउट, तो विदाउट दे देंगे, और फिर आगे क्या है, एयर, तो एयर दे देंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है कि असर्ट इंट्रोगेटिव से यस नो क्वेश्चन को असर्टिव में बदलने के लिए। सबसे पहले असर्टिव में आप लोग को बताया था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन। और एक ही बात याद रखना कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे, है कि नहीं। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे इज मैन नॉट मॉर्टल, इज मैन नॉट मॉर्टल। अब यहां पे देख सकते हैं इज, और ये इज मेरा जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यस नो क्वेश्चन में आ गया। अब इसको बदलना असर्टिव में, तो असर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मैन, तो मैन हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो हम लोग इज ले लेंगे। और यहां पर देखिए नॉट है, तो नॉट को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, और सिर्फ क्या लिख देंगे, मॉर्टल। बस यही तरीका है कि यस नो क्वेश्चन से असर्टिव बदलने का। अब असर्टिव से हम लोग अगर यस नो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा असर्टिव में और कहा जाएगा इंट्रोगेटिव बदलने के लिए, तो फिर किस तरह से बदलेंगे। अब यहां पे देख सकते हैं द अर्थ इज राउंड। अब इसको जो बदलना है इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, तो इज को हम लोग बाहर ले लेंगे। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, द अर्थ, तो द अर्थ हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी वही बातें गौर करनी है कि अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे, रहेगा तो हटा देंगे, तो इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसलिए नॉट लगा देंगे। और उसके बाद जो वर्ड बचा हुआ है राउंड, तो राउंड दे देंगे। बस इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए आगे जो है ना सो हम लोग जानेंगे, आगे एक और क्वेश्चन है, वी लिव ऑन अर्थ। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वी लिव ऑन अर्थ जो है, तो वी लिव ऑन अर्थ को हम लोग सीखेंगे, वी लिव ऑन अर्थ। तो मतलब कहा जाता है यस नो क्वेश्चन है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वी लिव ऑन अर्थ, मतलब लिव जो है, तो ये लिव क्या है,
भी वन है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? रूल्स तो ये कहता है कि अगर आपको यस नो क्वेश्चन बदलना तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना होगा। तो बातें याद रखिएगा कि जब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग को तीन हेल्पिंग वर्ब का खुद से यूज करना, तीन में से किसी एक का, या तो डू का, या तो डज का, या फिर डिड का, इस तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अब डू का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, डज का कहां पे करेंगे, डिड का कहां पे करेंगे? तो अगर मेन वर्ब भी वन हो तो डू का, अगर भी फाइव हो तो डज का, और अगर भी टू हो तो किसका, डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मालूम हो गया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग किसका हेल्पिंग वर्ब कर लेंगे, डू, डज या डिड का। तो अब चलिएगा यहां पर देख लीजिएगा, लिव है तो लिव क्या हो गया, भी वन, तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, डू का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, डू। आगे सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी। आगे अब यहां पे देखेंगे नॉट सेंटेंस में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, और आगे फिर क्या हो जाएगा, लिव, तो लिव। ऑन, ऑन। आगे क्या है, अर्थ, तो अर्थ। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये यस नो क्वेश्चन टू क्या है, असर्टिव है, या फिर असर्टिव टू यस नो क्वेश्चन। अब चलिए आगे हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जानेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का। तो अब डब्ल्यू एच वर्ड का हम लोग को सीखना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड को, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को जो है हम लोग असर्टिव में बनाने के लिए इसको मैं दो टाइप में रखा हूं, टाइप वन और टाइप टू। अब देखिएगा डब्ल्यू एच वर्ड में जो है ना, जो चेंज करना रहता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है हु से, क्योंकि हु का ही चेंज होता है, व्हाट, व्हेन, व्हिच, ये सबका चेंज नहीं होता है। शायद ही कभी कभार वो आ जाता है वर्ड जो है, एक दो वर्ड ऐसे हैं, वरना सिर्फ हु से क्वेश्चन रहता है। तो इसको मैं हु वाले सेंटेंस को दो भागों में रखा हूं, टाइप वन और टाइप टू में रखा हूं। तो चलिए सबसे पहले टाइप वन को समझते हैं। बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस हु से शुरू होता हो और हु के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस हु से शुरू होता हो और हु के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लगा हो उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो हु तो शुरू रहेगा लेकिन सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे ऐसे में कि हु को हम लोग हटा देंगे, और हटाने के बाद जो है ना इस तीन वर्ड में से किस एक वर्ड का यूज कर लेंगे, नोबडी का, नो वन का, या फिर नन का, इस तीनों में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। अब किस तरह से, एग्जाम्पल में देखिएगा, हु वांट्स टू डाई। अब यहां देखिए हु तो है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब क्या है कि हु के बाद नॉट नहीं हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। वांट्स टू डाई, वांट्स टू डाई ये अफर्मेटिव हो गया। तब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि अभी बताए थे कि हु को हम लोग बदल देंगे नोबडी, नो वन या नन में। हु वांट्स टू डाई, तो हम हु को हटा करके यहां पर क्या कर दिए, नोबडी, और आगे बस वही हो जाएगा क्या, वांट्स टू डाई। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बात ये याद रखना कि हु है और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि नॉट नहीं है, तो हु को आप नोबडी में चेंज कर दिए, बाकी का जो सेंटेंस है वो जो वर्ड है उसी तरह से उतर जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, हु कैन हेल्प यू हियर, तो हु को किस में चेंज कर देंगे, नोबडी, नन या नो वन, तो हम नन में कर दिए, नन कैन हेल्प यू हियर। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिएगा, अगर ये दे दिया जाए, असर्टिव में दे दिया जाए और चेंज कहा जाए, बोला जाए कि चेंज करने के लिए किसमें, ये इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाए, तो आपको बात याद रखना है कि अगर नो वन है, नो बडी है या फिर नन है, तो इसको हम लोग बदल लेंगे किसमें, हु में। तो अब यहां पर देखिएगा, नो वन दिया हुआ तो इसको हम लोग किसमें बदलेंगे, हु में, हु विल कंट्रोल नेचर, Who will control nature? बहुत ही सिंपल है, Who will control nature? एक और क्वेश्चन देखिए, No one likes to live here. तो यहां पे no one को चेंज कर दी किसमें, Who में, Who likes to live here? Who likes to live here? तो ये था टाइप वन। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो का टाइप टू। तो अब यहां पे देखिएगा, टाइप टू में जो है ना, हु तो रहेगा, क्वेश्चन हु से तो शुरू रहेगा, लेकिन हु के बाद सेंटेंस क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, मतलब कि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हु को जो अब बदल देंगे तो हु को किसमें, एवरीबडी, एवरी वन में बदल देंगे, दोनों में से किस एक वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। किस तरह से, जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, हु डज नॉट
हु डज नॉट नो एम एस धोनी, हु डज नॉट नो एम एस धोनी। अब यहां पे देख सकते हो हु डज नॉट, यहां पे डज नॉट आ चुका है, मतलब नॉट आ चुका है, नेगेटिव में आ चुका है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हु को बदल देंगे किसमें, एवरीबडी या एवरीवन में। तो यहां पे देखिए हम लिख रहे हैं हु को बदल दिए किसमें, एवरीबडी में बदल दिए। अब यहां पे क्या करेंगे, जब एवरीबडी बदल देंगे तो आप लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि अगर नॉट है तो नॉट को हटा दीजिए, तो अगर नहीं है तो लगा दीजिए। तो यहां पे इस नॉट को हम लोग हटा देंगे, जब नॉट को हटा देंगे तो डज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बचेगा नो, है कि नहीं नो, तो यहां पे जब नो करेंगे तो ये डज भी फाइव था, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा नोज, एवरीबडी नोज एम एस धोनी, एवरीबडी नोज एम एस धोनी। मतलब सिंपल सी बात है, नॉट तो है तो नॉट को हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ पे भी ऊपर में जो है सो नॉट तो नहीं था, हु वांट्स टू डाई, तो फिर इसमें नॉट क्यों नहीं लगा इस सेंटेंस में। तो आप गौर कीजिए, नोबडी, नन या नो वन ऑलरेडी पहले से क्या है, नेगेटिव सेंस लेकर के आता है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से नॉट है, तो दोबारा नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें बात सिर्फ याद रखिएगा, नॉट अगर लगा हुआ तो एवरीबडी एवरीवन में चेंज कर दीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अब यहां पे नॉट आ चुका है डज नॉट, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे एवरीबडी या एवरीवन, तो एवरीवन। अब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जब ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, और लव किस में चेंज हो जाएगा, लव्स में, क्योंकि यहां पे भी फाइव है तो ये भी फाइव आना जरूरी है, लव्स हिज कंट्री। और अगर क्वेश्चन असर्टिव में दिया हुआ है और कहा जाए कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए, मतलब एवरीबॉडी एवरीवन दिया हुआ है, तो फिर किस में चेंज करेंगे, तो बस उल्टा अपोजिट कर देना है, हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि अब इस एवरीबॉडी को, एवरीबॉडी को हटा देंगे तो क्या लिख लेंगे, हु, और हु नेगेटिव में चेंज करना, मतलब हु डज नॉट नीड मनी, क्योंकि जब नॉट लाएंगे तो नॉट का रूल क्या होता है कि नॉट जब भी आता है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ये नॉट का रूल है कि नॉट जब भी आएगा, जहां पे प्री आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम लोग तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू का, डज का या फिर डिड का। तो यहां पे डज का यूज किया, डज का यूज क्यों किया जाता है, जब भी फाइव होता है सेंटेंस, तो यहां पे देख सकते हैं इस लगा हुआ तो ये भी फाइव है नीड्स, तो इसलिए हम लोग यहां पे डज का यूज कर लिया। अगर ये नीड होता तो फिर यहां पे डू का यूज होता है कि नहीं, तो ये चीजें, तो अगर भी टू रहता यहां पे तो फिर डिड का हो जाता, तो इसलिए यहां पे डज का यूज किया गया। तो उम्मीद करते हैं असर्टिव सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला सेंटेंस हम लोग समझेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में कैसे बदलेंगे और असर्टिव से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, इसको भी मैं दो टाइप में रखा हूं, टाइप वन और टाइप टू में, क्योंकि जब आप लोग पढ़े थे डिफिनेशन तो उसमें मैं बताया था कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वो दो तरह से शुरू होता है, एक तो वर्ड लग करके बना हुआ होता है और एक पूरा सेंटेंस, जैसे फाई फाई, हुर्रे, ब्रावो, अलास, ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड लग करके बना हुआ। तो टाइप वन को चलिए सीखते हैं, अगर ये सब वर्ड किसी भी सेंटेंस में लगा हो और उसके बाद क्या हो, सेंटेंस हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इस इन सब वर्ड को हम लोग हटा देंगे, इन सब वर्ड को हटा देंगे, और हटाने के बाद हम लोग लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ, सब में लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ, है कि नहीं, इट इज मैटर ऑफ। उसके बाद अगर फाई फाई रहेगा, अगर फाई फाई रहेगा तो हम लोग जो यूज करेंगे किसका, कंटेम्प्ट का यूज करेंगे, और अगर हुर्रे रहेगा तो किसका, ज्वा का यूज करेंगे, ब्रेवो रहेगा तो प्रेज का यूज करेंगे, और अलास रहेगा तो किसका, सौरो का यूज करेंगे। इन सब वर्ड को लिखने के बाद क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, और दैट लिखने के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को उतार देंगे हम लोग, है ना, जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को उतार देंगे किस तरह से। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, तो यहां पर हुर्रे जो आ गया है तो इसको हम लोग हटाएंगे, और हटाने के बाद क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ, कैसे इसको ये इंडिकेट करता है, खुशी को, तो जुआ लिखेंगे, और जुआ के बाद क्या लिख लेंगे, दैट, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस वो पूरा सेंटेंस यहां पर उतर जाएगा, मतलब वी हैव वॉन द मैच, तो वी हैव वॉन द मैच। तो अब यहां पर बहुत सिंपल हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ जुआ दैट वी हैव, जो ऊपर में वही उतर जाएगा, वी हैव वॉन द मैच, है कि नहीं, बहुत सिंपल है ये बनाना जो है ना। आगे देखिए, ब्रावो यू हैव वॉन द गोल्ड मेडल,
अब इसको जो चेंज करेंगे तो ब्रेवो आया, ब्रेवो जैसे ब्रेवो आया तो इसको हटा दीजिए, और हटाने के बाद एक जो आप लोग बताए जो फॉर्मूला वो यूज कर लीजिए, इट इज मैटर ऑफ। ब्रेवो किसी को प्रेज को इंडिकेट करता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेज का यूज कर लेंगे, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज। और आगे फॉर्मूला में क्या कहता है, दैट का यूज करना, दैट और दैट का यूज करना, जो भी सेंटेंस जितना है वो पूरा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरा सेंटेंस जो है ना लिख देंगे, पूरा सेंटेंस हम लोग लिख देंगे, तो बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अलास आई हैव कट माई हैंड, अलास आई हैव कट माई हैंड। अब इसको क्या करेंगे, अलास को हटाएंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ। अब ये अलास किसको दर्शाता है, दुख को, तो इसलिए किसका हम लोग यूज करेंगे, सौरो का, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, सौरो, इट इज मैटर ऑफ सौरो। आगे फिर फॉर्मूला में क्या कहता है, दैट, तो दैट दे देंगे, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है यहाँ पे उस सेंटेंस को हम लोग उतार देंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये आप लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप वन सीख चुके होंगे। अब चलिए हम लोग को सीखना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप टू, कि टाइप टू के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, टाइप टू में होता है क्या कि ये टाइप टू वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो हमेशा किससे शुरू रहेगा, व्हाट या हाउ से, व्हाट या हाउ से शुरू रहेगा, और लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सक्लामेशन साइन, व्हाट या हाउ से शुरू रहेगा, लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ रहेगा। तो पहली बात है इसमें याद रखना है कि व्हाट या हाउ को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरी बात ये याद रखना है कि वेरी का, लवली का, फाइन का, ग्रेट का, बिग का, ब्यूटीफुल का, नाइस का, वंडरफुल का, इन सब वर्ड का जो से यूज करेंगे किसके बदले में, व्हाट या हाउ के बदले में, सेंस के अनुसार, जैसा सेंस रहेगा, जैसा अच्छा लगे उस तरह से हम लोग यूज करेंगे इन सब वर्ड का। तो अब किस तरह से, अब यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ, हाउ फास्ट ही रन्स, क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, हाउ से, लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ है। तो मतलब ये समझ में आ गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप टू में है। अब इसको जो बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये हाउ को तो हटाना है, लेकिन बात याद रखिएगा जो हाउ और व्हाट वाला जो सेंटेंस शुरू होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा लास्ट में। तो ये सब्जेक्ट वर्ब जो लास्ट में हमेशा रहता है उसको शुरू में लिखना है, शुरू में लेकर के आना है, तो इसको हम लोग शुरू में लेकर के आ जाएंगे, ही रन्स। अब ये हाउ को जो हटाएंगे तो हाउ की जगह पे ये सब का आपको यूज करना है, तो ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है, वह कितना तेज, तो वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिएगा, व्हाट अ फुल यू आर, व्हाट अ फुल यू आर, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा कहां रहेगा, लास्ट में, इसको तो व्हाट अ फुल यू आर, यू आर, यू आर, ये हमेशा सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको शुरू में लेंगे, तो यू आर, अब इस वर्ड को हटाएंगे तो इसके एसेंस के अनुसार से यूज करेंगे, तो यू आर अ ग्रेटफुल, यू आर अ ग्रेटफुल। एक और देखिए, व्हाट अ लवली गर्ल सी शी इज, तो शी इज को हम लोग शुरू में है, शुरू में ले लेंगे, शी इज अ वेरी लवली गर्ल, बहुत ही सिंपल है, साधारण है। अब एक और क्वेश्चन है नीचे में, व्हाट अ साइट। अब यहाँ पे अभी जो हम बोले कि सब्जेक्ट वर्ब हमेशा कहाँ रहता है, लास्ट में रहता है, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली व्हाट आर साइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया गया हो तो आपको खुद से क्या ले लेना है, इट इज का यूज प्रयोग कर लेना है। तो हम लोग इट इज लिखेंगे, जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव चीज हो, तो उसके लिए इट इज का यूज करेंगे, इट इज ए लवली साइट, या इट इज अ नाइट साइट, या इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, जो आपको जैसा सेंस लगे उस तरह से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट अ गर्ल शी इज, गर्ल्स किसको इंडिकेट करता है, लिविंग थिंग्स को, और गर्ल फीमेल को इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का भी सीख चुके होंगे। अब चलिए लास्ट में जो है हम लोग को एक चीज और सीखना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। मतलब कि सेंटेंस अगर
अफर्मेटिव में है नॉट नहीं, तो नॉट लगाना है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ ये नहीं कि शी इज नॉट हैप्पी लिख देंगे, नहीं, कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका अर्थ नहीं बदलनी चाहिए। तो अब अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी का शी। बस ये बात याद रखना कि अगर नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। तो शी इज, और नॉट हमेशा किसके बाद यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी इज नॉट। अब यहां पे एक बात याद रखना कि यहां पे जो वर्ड है इस वर्ड का अपोजिट वर्ड लेना है, मतलब कि शी इज नॉट हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। तो इसका जो है ना अपोजिट वर्ड लेना है, हैप्पी अनहैप्पी है कि नहीं। तो ये अपोजिट वर्ड जो हम लोग को यूज करना है यहां पे, दिस इज इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, दिस इज नॉट। अब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का ये अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पॉसिबल लिख लेंगे। आगे क्या कह रहा है, मैन इज मॉडल, तो मैन का मैन ही लिख लेंगे। इज का इज नॉट है तो नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इमॉर्टल, इमॉर्टल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, मॉडल, तो मॉडल लिख लेंगे। बस अपोजिट वर्ड कर देना है। अगला क्वेश्चन है, ही विल नॉट रिमेम्बर यू, तो ही का ही, विल का विल, नॉट है तो नॉट हट जाएगा। रिमेम्बर का क्या होता है, फॉरगेट होता है, तो फॉरगेट दे देंगे। और यू का यू, तो यू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, सेंटेंस अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह से सेंटेंस जो हुआ वो क्या हो गया, द एंड, मतलब कि खत्म हो गया। डेफिनेशन से लेकर के इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को मैं इस वीडियो में जो है सो डाल दिया हूँ, एक ही पार्ट में इसको बना दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, जरूर आपके कमेंट का जो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।